गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और हुक्मनामा सादिर किया जिसमें ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में जो अमेंडमेंट लाई है उस बारे में हर हल्के फिक्र में यहां जम्मू कश्मीर के तशवीश की लहर दौड़ गई है और ऐसा लग रहा है कि मरकजी सरकार के पास 5 अगस्त 2019 के बाद अभी भी यकीन नहीं आता है कि उनका कंट्रोल है पूरे तौर पर और नए नए तरीके वजा किए जा रहे हैं, नए नए अमेंडमेंट जैसा कि कल ही ये अमेंडमेंट लाई गई ताकि जो जमहूरी हकूक है यहां के लोगों के या जो इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू करने का दावा है अगर कल असेंबली बन गई और फिर कैबिनेट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो उसे बे अख्तियार बनाना ये अब लग रहा है कि बड़ी कोशिश है मरकजी सरकार की तरफ से। जो रही सही कसर थी इस हुक्मनामे के जरिए इस फरमान के जरिए उसको पूरा किया गया। लग रहा है कि अभी भी प्यास बुझी नहीं मरकजी सरकार की कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जो हकूक आईनी हकूक जमहूरी हकूक उनको सलब करने का सिलसिला जो जारी किया 5 अगस्त 2019 से उसे जारी रखना शदमत से ये एक एजेंडा बन चुका है बीजेपी सरकार का। और हमारा ये मानना है कि ऐसे कवानीन लागू करके भला ही वो सोचे कि आवाम को मरूब किया जा सकता है या सियासी प्रोसेस को मुतासिर किया जा सकता है। माना कि आज खामोशी है लेकिन किसने जाना ये खामोशी कब टूट जाएगी। अवाम तारीख साज हैं, जम्मू के अवाम कश्मीर के अवाम लद्दाख के अवाम उन्होंने चेहरा पहचाना है अब देखा है अब कि सरकार के पास हमें कोई राहत देने के लिए रोजगार का सवाल हो या आम लोगों को राहत देने का सवाल हो इनके पास कुछ नहीं। अगर कुछ है तो निचोड़ना है, अगर सांसें हैं उनमें भी रुकावट डालनी है जैसा कि इस हुक्मनामे से जाहिर है। CPIM ने हस्बी दस्तूर ये अपील की है तमाम सियासी फिक्र रखने वाले छोटे बड़ी पार्टियों से भाई लचक पैदा कर लो। आज जो नविश्ते दीवार हैं इसको पढ़ने का सलीका हमें हासिल करना चाहिए और देखना चाहिए। खतरात बढ़ रहे हैं, हमारे वजूद का सवाल है, सर्वाइवल का सवाल है, इसलिए इख्तलाफात को पसे पुछ डालकर एक साथ मिलकर आवाज बुलंद करें हर फोरम में हर सतह पर, तब जाकर इस तानाशाह सरकार को कुछ सुनने के लिए मजबूर किया जा सकता है।